गुप्ता प्रयाग पश्चिम संस्थान के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने कल पढ़ा था वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। जिसने मेरी कल की वीडियो ना देखी हो प्लीज वो वीडियो देख ले। कल मैंने इसके फॉर्मूले बताए थे और कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। जैसा कि मैंने कल कहा था, आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सभी ट्रेड के आईटीआई के बच्चों के लिए है, तो प्लीज कोई ये ना सोचे कि ये इलेक्ट्रिशियन के लिए है, फिटर के लिए है। ये ऑल ट्रेड के लिए है, क्योंकि वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस जो हमारा होता है वो सभी ट्रेड में कॉमन होता है, ठीक है। और ये चैप्टर तो बेसिकली सब में ही होता है, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए अपने पहले न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 3.7 मीटर की ऊंचाई तक 2 न्यूटन की वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था कार्य बराबर हमारा क्या होता है, कार्य बराबर हमारा होता है बल इनटू विस्थापन। क्लियर है। कल मैंने समझाया था, मान लीजिए कोई तल है, यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है ना। ये कह रहा है कि यहां उठाने के लिए, मतलब यहां से यहां रखने के लिए इसमें कुछ बल लगाना पड़ेगा, है ना, और ये कुछ दूरी तय करेगी। तो ये यही कह रहा है कि दूरी देने इसका कार्य कितना, ये दोनों का गुणनफल ही हमारा कार्य होता है। तो ये कितना कार्य कर रहा है वही हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं ये जो दूरी है वो दिया है 3.7 मीटर, क्लियर है। और जो हमारा बल दिया है वो दिया है 2 न्यूटन। तो हम अपना कार्य कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला रख देंगे, हमारा हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू S। F कितना दिया है 2 न्यूटन इंटू 3.7 मीटर, क्लियर है। अब हम कैलकुलेट कर देंगे, 7 × 14 = 4, 8 × 3 = 6 = 7, 7.4 आंसर न्यूटन मीटर, क्लियर है। मैंने कल बताया था न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं, है ना। कल हमने इसको पढ़ा हुआ था। तो जिसने भी हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज देख ले, और इस न्यूमेरिकल पे आज मैं सबके रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगी और आपका जो कल आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो समझ में आ गया आंसर कैसे आया, बल गुणे विस्थापन हमारा कार्य होता है, क्लियर है। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम मीटर कार्य करने के लिए 1 kg बल का प्रयोग किया जाता है, तो विस्थापन ज्ञात करें। अब हमारा पहले क्वेश्चन में हमें कार्य निकालना था, दूसरे में हमें विस्थापन निकालना है। तो हमारा कार्य का सूत्र क्या है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ये हमने पढ़ा है। अगर हमें विस्थापन निकालना है तो कार्य के बटे बल हो जाएगा इक्वल टू विस्थापन, क्लियर। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं हमारा कार्य कितना दिया है, 10 kg मीटर, डब्ल्यू इक्वल टू 10 kg मीटर, और बल कितना दिया है, एफ इक्वल टू दिया है 1 kg। हमें विस्थापन निकालना है तो हम फॉर्मूला रखेंगे, विस्थापन बराबर हमारा हो जाएगा कार्य, कार्य कितना दिया है हमारा 10 kg, और बल कितना है हमारा 1, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 10। अब देखिए ऊपर केजी है, केजी मीटर, नीचे केजी,
केजी से केजी कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। पहला तरीका ये है कि आप ये याद रखिए कि हमारा विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको नहीं याद है तो आप जो जो मात्रक दिया है उस मात्रक को लिखिए और ऐसे डिवाइड करना सीख जाएं, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है हमारे एग्जाम्स में, हमें देगा तो 10 ही आंसर, जैसे कि हमें 4 ऑप्शन देता है सब में 10 कर देगा, वो मात्रक चेक करता है। जरूरी नहीं कि आपका आंसर तो सही आ गया, कभी कभी मात्रक दे सकता है, कभी मीटर दे दिया, कभी सेंटीमीटर दे दिया, कभी सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, कभी एमएम दे दिया, है ना। तो आपको कैसे कंफर्म करेंगे कि कौन सा होगा, तो अगर आपको मात्रक याद है तो ठीक है, वरना आप ये तरीका अपना सकते हैं कि जो दोनों का मान दिया हुआ, जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे मात्रक को डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि जो मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 200 केजी जल को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किस कार्य की गणना कीजिए। तो मैंने इसका दो क्वेश्चन बता दिया, तो आप लोग एक मिनट ट्राई कीजिए। देखिए इसमें बस वही मान रख के हमें निकालना है ना, तो आप लोग कोशिश कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा केजी जल है और ये हमारा मीटर है, ठीक। तो मीटर किसका होता है, विस्थापन का होता है मात्रक। तो हम समझ लेंगे विस्थापन बराबर हमारा 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक। केजी जल मतलब ये हमारा क्या दिया हुआ है, बल, है ना। तो हमारा बल बराबर हो जाएगा 200 केजी। डब्ल्यू हमें निकालना है, वर्क निकालना है हमें। का बराबर क्या होता है, विस्थापन इंटू बल, विस्थापन हमारा दिया है 600 मीटर इंटू 200 केजी, 6 × 1200 केजी मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल, क्लियर है। देखिए कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि आपको मान तो दे देगा केजी और मीटर में, है ना, लेकिन जो आपके ऑप्शंस देगा वो जूल में दे सकता है। इसलिए मैं दोनों को बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर होता है वो सिर्फ हमारे माइंड को चेक करता है ना। आपने आंसर तो निकाल लिया है, लेकिन कभी कभी क्या देगा आपको ऑप्शन में, केजी मीटर स्क्वायर, जूल, और दूसरा दे देगा कुछ केजी सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब आप सोचेंगे, अब आपने ध्यान तो दिया नहीं केजी मीटर, आपने सोचा इसको मार दिया टिक, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, वो आपके माइंड को चेक करेगा, तो आपका आंसर जूल में होगा, है ना। तो आपको खास तो आंसर बस नहीं देखना है, आपके जो मात्रक है उसका भी विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि आंसर तो आप कैलकुलेट करके, हम जो बच्चे हैं इतना इजी मान देता है कि हम कैलकुलेट करके आंसर तो ला लेते हैं, लेकिन आंसर ज्यादा हमें उसके यूनिट पे ध्यान देना है, उसके मात्रक पे ध्यान देना है। क्योंकि जो हमारा वो एग्जामिनर चेक करता है वो हमारा माइंड को ही चेक करता है, तो आपको मात्रक ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, हमें शक्ति दिया हुआ है 12 किलोवाट, विस्थापन दिया है 400 मीटर, समय हमें 20 सेकंड दिया हुआ है, हमसे बल पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था शक्ति, हमारा शक्ति बराबर हमारा होता है कार्य बटा समय, ठीक, कार्य बटा समय। लेकिन इस फॉर्मूले से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें बल निकालना है। हमने दूसरा पढ़ा था कार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम कार की जगह क्या पढ़े हैं, बल इंटू विस्थापन, है ना। सॉरी तो राइटिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो बल गुणे विस्थापन।
तो हम अपने कार्य के जगह पे हम बल बड़ा बल इंटू विस्थापन लिख दें, टू विस्थापन बटा समय। अब इससे हम बल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ये हमने कल पढ़ाया था आपको। अब देखिए ये किलो वाट में दिया है, लेकिन हमारी जो शक्ति होती है उसका मात्रक होता है वाट। तो ये देखिए 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट। टेन पॉइंट सिक्स वाट बराबर 1 मेगावाट। कल मैंने इसको बताया था कि नहीं मुझे याद नहीं है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी किलोवाट में है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 × 1000, तो हो जाएगा हमारा 12000 वाट। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब हम अपना इस फॉर्मूले पे रखेंगे, ठीक। तो हमारा हम शक्ति जो है कितना लिखेंगे, 12000 वाट। बल हमें निकालना है एफ, विस्थापन हमारा दिया हुआ है 4 मीटर और समय हमारे पास कितना है 20 सेकेंड। क्लियर है, अब हम इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा हमारा। चलिए आपको निकालेंगे, हम पहले नोट कर लेते हैं इसको। तो यह ये रहेगा और बाकी सब इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मार्क आएगा जब ये इसमें इंटू हो जाएगा, ये ऐसे हमने पढ़ा हुआ है, तो यह हमारा हो जाएगा 1200 × 20 डिवाइडेड 4 इक्वल टू एफ, है ना। क्लियर है, अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 4 × 5 = 20, 12 × 5 = 60, ठीक है। और यह बल हमारा होता है न्यूटन में, तो यह हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया कैसे हमने सॉल्व किया है। हमने इस फॉर्मूले पे इसका मान रखा है और ये दो पॉइंट हमने नोट करवाए, आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पुली का व्यास 200 mm और यन बराबर होता है हमारा पहियों की संख्या 750 rpm हो, तो पट्टे लगाया गया बल F बराबर 700 N हो, तो संचारी शक्ति का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। इसको हम लिख सकते हैं कार्य की जगह पे बल इंटू विस्थापन बटा समय, ठीक है। यह हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमारा जो एक इसमें मेन है कि ये जो एन और एफ दिया है कि यस बराबर हमारा फॉर्मूला होता है पाई डी एन, ठीक है। यह हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो हम सीधा मान रख देंगे बल बराबर हमारा दिया है 700 N, ठीक। ये देखिए हमारा डी जो दिया है एमएम में दिया है, लेकिन हमें जब न्यूटन में दिया तो जाहिर सी बात इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.2 mm, डी बराबर 200 mm इक्वल टू 0.2 m। ये तो आपको पता होगा ही कैसे आया, मीटर में होता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से। देखिए 1 मीटर बराबर 100 cm, ठीक है, और 1 cm = 10 mm। क्लियर है, इसी से हमने इसको कन्वर्ट किया तो यह हमारा हो जाएगा 0.2 mm। मैं एक क्लास कन्वर्जन का लूंगी जिसमें आपको ये सब हम बेसिकली समझाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे
देखिए विस्थापन देगा हमें ना पाई डी एन है ना। समय मान देखिए इसमें यदि पुली का व्यास 200 mm तथा यन है तो जाहिर सी बात है कि यह एक मिनट की बात कर रहा होगा, तो हमारा समय जो सेकंड में होता है तो हम 60 सेकंड रख लेंगे, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि एक पुली का व्यास 200 mm यानी पहियों की संख्या 750 आरपीएम पट्टे लगाया गया, ठीक है पट्टे लगाया गया बल इतना संचारित करता है तो एक मिनट का हमें तो वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको 60 सेकंड रख देंगे, ठीक है यंग 750 आरपीएम। अब इसका अगर हम मान रखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है आपको समझ में आ गया। यस की जगह हमने ये वैल्यू रखी है, पाई की वैल्यू हमारी होती है 3.14, पाई की हमारी दो वैल्यू होती है 3.14 और एक होती है 22/7, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.14, ठीक है तो हमने ये मान रख दिया। डी हमारा कितना दिया है 0.2 mm और यन कितना हमारा 750, ठीक है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, क्योंकि मैं कैलकुलेशन बताऊंगी बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसको आप इजी कर सकते हो कि पॉइंट हटाने के लिए आप इंटू गुणा कर सकते हो, यहाँ पॉइंट हमने हटाया तो इंटू 100 हो गया, क्योंकि जितना पॉइंट हटता है उतने जीरो बढ़ते हैं, ये 0.2 हटाने के लिए इंटू 10 कर देंगे हम। अगर आप कैलकुलेशन पॉइंट में कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं करते तो आप पॉइंट हटा के इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे कट करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका लगभग आएगा मेरे ख्याल से जब आप करेंगे तो इसका आएगा 3.2970, ठीक है और डिवाइडेड 16, इसका आंसर आ जाएगा 5495 वॉट, ठीक है। मैं अगर इसको कैलकुलेट करके बताती तो बहुत ज्यादा समय भी लगता और बेसिकली कैलकुलेशन है तो मैं क्या इसमें कैलकुलेशन करके बताऊं आपको, तो मैंने बता दिया या तो आप पॉइंट हटा के कर दीजिए या तो आप पॉइंट लगा रह दीजिए, इसमें इसका गुणा करके जितना आ जाए उसमें इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन पेपर में आप क्या करिएगा, जब पेपर आपका होगा तो आप बेसिकली इजी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इजी करना है कि पॉइंट में कैलकुलेट कर लेते हैं, जिनको बच्चों को पॉइंट में कैलकुलेशन आती है जिनको नहीं आती है वो पॉइंट हटा के डिवाइड कर ले, ठीक है आप लोग कैलकुलेशन करिएगा इतना आंसर हमारा आएगा, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसमें एक न्यू था ये, इस मान को आपको याद रखना, ठीक है। मैंने कुछ जो भी कल मैंने आपको कुछ मतलब फॉर्मूले बताना या भूल गई या फिर नहीं बताया मैंने, तो मैं इसीलिए न्यूमेरिकल कर रहा, उसमें जो फॉर्मूले ऐड होते जाएंगे मैं उस पर स्टाफ बना के आपको बता दूंगी कि आप ये फॉर्मूला अपने जहां आपने फॉर्मूला नोट किया वहां नोट कर लीजिए, ठीक है क्लियर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, 300 किलोग्राम पानी से भरे टैंक को 5 मिनट, ठीक है 5 मिनट में 10 मीटर ऊंचाई पर उठाने के लिए आवश्यक अश्व शक्ति की गणना कीजिए। कल मैंने अश्व शक्ति के बारे में थोड़ा बताया था, ये फॉर्मूला लेके इसमें जो लगेगा वो फॉर्मूला क्यों नोट कर लीजिएगा, आवश्यक अश्व शक्ति बराबर हुआ होता है केजी में आरोपित बल इंटू मीटर में दूरी अपॉन 4500 इंटू समय मिनट में, क्लियर है। यह आपका फॉर्मूला है आवश्यक अस्थि का, केजी में आरोपित बल मीटर में दूरी 4500 इंटू समय मिनट में। ये जो केजी और मीटर और मिनट दिया हुआ है इसको आपको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि जो आपका मान होगा कि हो सकता है कि किलोग्राम की जगह ग्राम में दिया हो, मिनट की जगह सेकंड में दिया हो, घंटे में दिया हो, ऊंचाई मीटर में बजाय हमें दिया हो सेंटीमीटर में, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ध्यान रखने के लिए ये लिखा गया है कि
हमारा जो आरोपित बल होगा वो केजी में ही होगा, जो दूरी होगी वो मीटर में ही होगी, और जो समय होगा वो मिनट में ही होगा। ठीक है, अब इसको हम इसी पे मान रख के कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मात्रक जो होगा वो हमारा एचपी होगा, हॉर्स पावर। ठीक है, अश्व शक्ति मात्रक। क्लियर है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आरोपित बल, ये केजी में है, हमें कन्वर्ट करना नहीं है, इनटू मीटर दूरी 10 4500 इनटू समय हमारा कितना दिया है 5 मिनट। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करिए, देखिए 2 0 2 0 कट गया, 5 2 10 है ना, 5 9 45 5 6 30 60 120 डिवाइड बाई 9 कितना आ जाएगा, 9 कम 9 बचा 3 13.33 एचपी आएगा। ठीक है, आंसर समझ में आ गया आप लोग को। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सीधा मान रख के निकाल देंगे। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चंस। चलिए, ये हमारा न्यू टाइप्स था, है ना, कि कल इसको हमने नहीं बताया था, इसको इसका फॉर्मूला हम आज आपको बताए हैं। बहुत से फॉर्मूले इस चैप्टर में है जो उसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, थ्योरिकल नहीं पूछे जाते हैं, उसको आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन, आगे बढ़े हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, 36 किलोमीटर ठीक है, किलोमीटर पर आवर वेग से चलने वाले 400 ग्राम वजन के काय यानी कि बॉडी की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम हमारा क्या है, द्रव्यमान, जो होगा हमारा केजी में। ठीक, और एफ वी बराबर हमारा वेग, जो होगा हमारा मीटर प्रति सेकंड, ये कल हमने पढ़ा था, है ना। तब देखिए हमारा द्रव्यमान कितना दिया है, एम बराबर हमारा दिया है 400 केजी, और वी बराबर हमारा दिया है 36 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए बेसिकली अगर हम करें तो मीटर प्रति सेकंड, आप बताइए एक किलो में कितने वजन, कितने मीटर होते हैं ना, उस हिसाब से हम करेंगे तो 1000 मीटर होता है, और मिनट प्रति इतने सेकंड इतने मिनट। ठीक है, ये हमारा बेसिकली होता है, लेकिन हमारा फॉर्मूला होता है कि 5/18 जिससे हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, है ना। और एक ये होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड का फॉर्मूला, और ये होता है हमारा किलोमीटर प्रति घंटे का, दोनों में से हमें कौन सा कन्वर्ट करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बेसिकली किसी को याद नहीं है तो वो इस तरह से कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम आपको इस तरह बता रहे हैं, देखिए 0 0 कट गया, 6 6 36 6 6 36 हमारा आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर हम ये इससे कैलकुलेट करते तब भी हमारा उतना आ जाता है, बेसिकली हम ये यूज करते हैं, लेकिन जिसे नहीं आता है वो इस तरह से कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, बी बराबर हमारा आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हम अपने फॉर्मूले में रख देते हैं, हाँ एम की जगह लिखेंगे हम 400, अब वी की जगह 10 × 10 क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब दो बार लिखना। अब इसको हम काटेंगे, 2 × 2 = 4 तो हो जाएगा हमारा 200 × 10 100 2 1 2 3 4 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है आपको, समझ में आ गया। आपको इसमें कन्वर्ट करना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो द्रव्यमान होता है वो केजी में ही होगा, अगर ग्राम में दिया है तो आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें किलो घंटा में दिया था तो हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए था तो हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, इस कन्वर्ट करने का दो तरीका होता है जो मैंने बता दिया, अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में करना है तो हम 5/18 से
इनटू करते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए देख लीजिए, 36 को हमने इस बेसिकली से कन्वर्ट किया तो हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड आया। अगर हमने फॉर्मूले से रखे, ट्रिक्स रखे हैं, तो 36 इंटू 5/18, 18 × 36 आ गया हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा डायरेक्ट कन्वर्ट करने का होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं, ये चीज आप दोनों नोट कर सकते हैं। हम समझ में आ गया, अपने अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, 20 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर 5 kg द्रव्यमान के पिंड में स्थित ऊर्जा बताइए, ठीक है। इसमें हमें स्थित ऊर्जा पढ़ना, स्थित ऊर्जा ये हमें पूछ रहा है, स्थित ऊर्जा। इसका फॉर्मूला भी मैंने कल बताया था, तो कल हमने क्या पढ़ा था, MgH, ठीक है। MgH, M क्या है हमारा, द्रव्यमान, G हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, और यह हमारा होता है ऊंचाई, ठीक। ये मीटर में होता है और ये केजी में होता है, क्लियर है। गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान हम अगर नहीं दे रखा है अलग से इस क्वेश्चन में, तो नॉर्मली हम लिखते हैं 9.8, ठीक है। हम इसका जो मान मानते हैं 9.8 मान के रखते हैं, क्लियर है। तो हम इसी का मान इस पे रख देंगे, MgH, M बराबर हमारा दिया हुआ है, M बराबर हमारा दिया हुआ है 5 kg, ठीक, और H बराबर हमारा दिया है 20 मीटर, और G का मान हमने रख देंगे 9.8। एम की जगह हम रखेंगे 5 इंटू जी 9.8 इंटू एच कितना दिया है 20, ठीक। कैलकुलेट करेंगे हम, 5 × 10 100 इंटू 9.8 दिया जाएगा 980, ठीक है, क्लियर है। समझ में आ गया, जूल, क्योंकि ऊर्जा का जो मात्रक हमारा जूल होता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। तो आज मैंने कम कम 8-10 क्वेश्चन तो करवा ही दिए हैं और 1-2 फॉर्मुलेटा करा दिए हैं। अगर इसमें से कुछ रह रहा है और आप लोग को जानना तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ मेरे ध्यान से रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर बताऊंगी। तो आज आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जिसने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज उसे देख लीजिए, और अगर हमें मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके ये चीजें। और जिनको भी कोई प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट करे और मेरे साथ बताए कि मैं क्या और अच्छा कर सकती हूँ, या कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। थैंक यू।